मैक्सिमम ने अपन वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे ना, 5-4 मैंने करवा दिए थे, 2-4 और करवा देता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बूस्ट हो जाए इसमें ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस आर, अ सर्कुलर सेक्टर is removed and from the remaining sheet a right angle right circular cone is made, find area of removed part so that cone's volume is maximum. ठीक है, क्या सीन है? एक सर्कुलर शीट है आपके पास ना, इसमें से क्या करा एक सेक्टर उड़ा दिया। सेक्टर मतलब एक, सपोज ऐसे स्लाइस काट दी है यहां से, और ठीक है जी बोलो। ठीक, थीटा था ये पार्ट, इसको कट कर दिया। तो जो पेपर बचेगा है ना, आप करके देखना चाहे तो, वरना इतना कुछ समझ आ ही जाएगा कि भाई जैसे पूरी शीट थी जो है ना अपने पास, उसमें से जब आपने इसको काट दिया, अब मैं इस पेपर को अगर ऐसे पकड़ के ऐसे मिला दूंगा तो ये कौन बन जाएगा? एक yes, है ना, तो बस वो वही कह रहा है कि एक सर्कुलर शीट थी, उसमें से एक सेक्टर उड़ा दिया। सेक्टर को उड़ाने के बाद जो बची हुई शीट थी उसका हमने राइट सर्कुलर कॉन बना दिया है ना। नाउ कॉन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो बताओ जो रिमूव्ड पार्ट है उसका एरिया क्या है ना। तो सर्कल में से इतना काट दिया सेक्टर, अब इस पेपर को आप सोचो कि इसको ऐसे घुमा के ऐसे लगाओगे इसके ऊपर तो एक कॉन बन जाएगा ना। तो अब थोड़ी इमेजिनेशन चाहिए कि वो जो कॉन बनेगा उस कोन की रेडियस, उस कोन की हाइट और उस कोन की स्लैंट हाइट, इससे और इसमें क्या जानते हो आप? क्या देख के कोई कमेंट कर सकते हो आप? चलो मेरे को ये बताओ, ये जो रेडियस है, रेडियस ये इस कोन की क्या होगी? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट होगी या हाइट होगी? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ठीक है ना। बिकॉज आप देखो ये तो टेढ़ा पोर्शन है ना, और ये इसको ऐसे चिपका देंगे तो वो ऐसे कौन फूल जाएगा, तो वो जो साइड वाला है ना स्लैंट हाइट, दैट वुड बी आर। तो ये आर है, ठीक है। अब एक चीज और, ये जो सर्कमफेरेंस का जो पार्ट है इसको हटा दिया, तो जो पार्ट बचा जब इसका कौन बनाया, तो ये जो पूरी नीचे की सर्कमफेरेंस है क्या ये इसके बराबर है? कि ये अगर सपोज एल है, एल तो अगर इसकी रेडियस एक्स है तो 2πx बराबर एल होगा। yes, sir. बस, और वो एल क्या होता है? आर थीटा। आर थीटा, नाउ दिस एल इज आर थीटा, और थीटा तो ये हमने काटा है, तो जो बचा हुआ ये थीटा था, ये 2π माइनस थीटा हो गया। एंड आई एम सेइंग थीटा इज इन रेडियन है ना, बिकॉज रेडियन में तभी फॉर्मूला लगता है एल बराबर आर थीटा, तो मैं रेडियन में मान रहा हूं। तो ये 2πx बराबर ये एल के बराबर हो गया, एंड दैट एल इज 2π माइनस थीटा इंटू आर। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि एक्स इज
सॉरी 2 पाई x अपॉन r और 2 पाई माइनस कर दो तो ये थीटा आ जाएगा आपका। हाँ जी चलो, तो ये तो हमने जो जो चीजें हमें समझ आ रही थी वो हमने लिख ली। नाउ अगेन प्रॉब्लम पे आते हैं। तो वेरिएबल देखो, रेडियस हो गया, रेडियस इसके टर्म्स में ये हाइट है, हाइट h है ना। नाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो फर्स्ट आई हैव टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ द वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज नथिंग बट 1/3 πr² h। तो ये तो दो वेरिएबल आ गए, x और h, है ना। और मैंने कहा था सिंगल वेरिएबल में लाओ, तो अपन को पता है कि हम h को x के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिकॉज क्लियरली आपको पता है h² + x² = r² है। तो आपको आप h को भी r x के टर्म्स में ले आए, ठीक। तो ये आ गया आंसर, 1/3 πx² √r² − x। ये वॉल्यूम आ गया, और x का वो भी लिख दो, रेंज अगर लिखना चाहो तो। x कहां से कहां तक होगा भाई? x क्या है? इसकी रेडियस है। तो x की बात करोगे तो थीटा मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है? 0। और थीटा मिनिमम से मिनिमम 0 हो जाएगा अगर, मतलब प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, थीटा 0 मतलब कुछ बना ही नहीं, कौन बनेगा ही नहीं, बट फिर भी एक मिनिमम लिमिट रखें तो थीटा 0 निकालें, तो 2 पाई कट गया, तो x की वैल्यू आ गई r के बराबर। और अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पाई रख दे तो x की वैल्यू आ गई 0 के बराबर, तो 0 से r के बीच आएगा। हाँ जी सही है। बस अब आपको उनको वही स्टैंडर्ड काम है अपना, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो चाहे तो आप सीधा इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज कर दो, चाहे आपको लगता है कि आप रूट वूट से छुटकारा पाना चाहते हो तो इसका स्क्वेयरिंग करके वॉल्यूम स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर देता हूँ, dv/dx निकाल रहा हूं मैं, तो π/3 तो हटाओ, अंदर आएगा 2x √r² − x², फिर बीच में आएगा x² एज इट इज आएगा। इसका डेरिवेटिव हमने याद करा हुआ, नीचे 2 आएगा, वो 2 ऊपर वाले 2 से कट जाएगा, और इंटू −2x आएगा, वो 2 2 कट जाएगा माइनस, और इंटू x आएगा। तो क्या ये बात सही है कि r² − x² × 2 − x² एक x बाहर आ गया, πx/3, नीचे रूट r² − x², तो ये बन गया 2r² − 3x² इंटू x π 3/√r² − x². तो देखो ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है, साइन कौन डिसाइड करेगा? बस यही करेगा। तो ये 0 कब होगा? जब 2r² = 3r², मतलब x विल बी √2/3r, और इधर r की तरफ जा रहा है, इधर 0 की तरफ जा रहा है। आर की तरफ अगर ये जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिल रहा है। सो वी विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्स इज √2/3r, वी मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू √2/3r। अब अपन को ये तो पूछा ही नहीं था अपन तो ये पूछा था कि वो उस टाइम पे जो एरिया निकाला गया वो क्या होगा। ये तो एरिया जो निकाला गया है, ये क्या होता है? एरिया रिमूव हाफ आर स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ जी सेक्टर एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। अब आर तो फिक्स है, थीटा आप यहां से निकाल लोगे एक्स की वैल्यू रख के, तो एक्स की वैल्यू उसमें रख दो, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा वहां से मैं निकाल रहा हूं, चाहे तो यहां लिख लो अलग से, थीटा को 2 पाई कॉमन ले लिया, 2 पाई कॉमन लेने के बाद ऊपर बचा r − x/r, x की जगह रख दिया √2/3r, तो ये बन गया 2 पाई, ऊपर नीचे से r r कट जाएगा, 1 माइनस
रूट टू बाय थ्री, तो इसको रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री लिख सकते हो. सो दिस इज टू पाई टाइम्स रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री. ये इससे कट गया, आंसर आ गया पाए आर स्क्वायर इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री. इतना पोर्शन जब कट करोगे तो मैक्सिमाइज वॉल्यूम बनेगा कोर का, सही है. हाँ जी क्लियर है, बता दे. यस सर. Find area of largest rectangle with lower base on x-axis and upper vertices on curve 12 y is equals to 12 minus x square. तो ये थोड़े रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस हैं, बिकॉज इसमें अपने को ज्योमेट्री वगैरह इतना नहीं है, अपने को तो सिंपल कर्व बनाना है. तो कर्व फंक्शन तो अपन पढ़ते ही हैं, फंक्शन बना के डील करना फिर भी आसान है. जो पुराने क्वेश्चंस उनमें जैसे ज्योमेट्री इन्वॉल्व रहती है, डायग्राम बनाना करना, उनमें थोड़ी बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है. इसका ग्राफ तो आप ऐसे सीधे सीधा बना सकते हो, ये टू रूट थ्री, ये माइनस टू रूट थ्री और ये वैल्यू 12, सही है. हाँ जी. अब वो कह रहे हैं इसके अंदर रेक्टेंगल बनाना है सच दैट कि जो बेस है लोअर बेस, मतलब भाई इसको वो कहना चाह रहे हैं ये लोअर बेस है, इज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब यहां एक्स एक्सिस पे होगा, और अपर वर्टाइसिस हैं जो वो इस कर्व के ऊपर होंगे. तो मतलब मैं नीचे तो ले नहीं सकता, पहली बात. दूसरी बात, क्या ऐसे ले सकता हूं, क्या एक यहां ले लूं एक यहां ले लूं, भाई उस केस में आपको भी समझ में आ रहा है रेक्टेंगल तो नहीं बनेगा ना. रेक्टेंगल बनने के लिए तो ये एंगल 90 होना पड़ेगा, ये एंगल 90 होना पड़ेगा और ये एंगल 90 होना पड़ेगा, मतलब क्लियर है कि ये पॉइंट सिमेट्रिकल होंगे. हाँ जी. यस सर. बस तो बस हल्का सा यही सोचना है कि ये स्ट्रेट लाइन ही होगी, ऑब्वियस सी बात है. तो ये पॉइंट है अगर मान लो एक्स कोमा जीरो, ये पॉइंट हो गया एक्स कोमा ट्वेल्व माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट है माइनस एक्स कोमा जीरो और ये पॉइंट है अगर माइनस एक्स रखोगे तो भी ट्वेल्व माइनस एक्स स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा. बस सिंपल सा है. अब इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स. अगर ये लेंथ एक्स है तो ये भी एक्स है, तो लेंथ कितनी होगी 2x होगी, इनटू हाइट कितनी होगी 12 माइनस एक्स स्क्वायर होगी,
बगल में एक्स का कंस्ट्रेंट लिखोगे तो एक्स मैंने इधर पॉजिटिव वे में माना है क्योंकि उधर तो माइनस एक्स ऑटोमेटिक है, तो एक्स मिनिमम से मिनिमम जीरो हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2√3 हो सकता है। मतलब एक्सट्रीम केस में बात करें कि छोटे छोटा रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है कि ये हाइट सारी ये हो जाए, विड्थ एकदम खत्म हो जाए, या लेंथ सारी ये चौड़ी हो जाए और विड्थ एकदम छोटी सी हो जाए। तो एक्स कैन बी बिलोंग्स टू 0 to 2√3। हाँ जी बस क्लियर है सबको? बस एक्सप्रेशन बनाने के बाद तो कहानी खत्म हो गई। ए डैश एक्स निकालोगे 2 12 - x² + 2x - 2x 24 - 2x² - 4x² 24 - 6x² 6 कॉमन आ गया, 4 - x² 2 + x 2 - x 0 से लेके 2√3 तक इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव है। ये नेगेटिव होगा, 2 पे 0 होगा, 2 के आगे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा देगा। सो ए इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। बस आ गया आंसर। तो एरिया क्या हो गया? मैक्स 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4, 12 - 4 = 8, 8 और 4 = 32 हो गया आंसर। ठीक है, चले इन फर्स्ट क्वाड्रेंट fixed point P A comma B is there, a variable line of negative slope passing from P intersects the coordinate axis at A and B find minimum area of triangle AOB. Minimum length AB, minimum of OA plus OB. Obviously, O is the origin, है ना? लिख लेना चाहिए तो O is origin. ठीक है. तो सीन क्या है? ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है. इसमें एक पॉइंट दे रखा है, पी फिक्स है वो, है ना, ए कोमा बी।
अब इससे लाइनें अनगिनत लाइनें पास होंगी, इधर 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 इधर, लेकिन नेगेटिव स्लोप की लाइन लेनी है, मतलब ऐसे वाली नहीं लेनी, ऐसे वाली लेनी है। तो सपोज ये लाइन है, तो लाइनें तो चेंज होगी, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी, लाइन फिर ऐसे भी हो सकती है ना, अलग अलग सीन है। तो लाइन वेरी कर रही है बिकॉज पॉइंट फिक्स है, मतलब स्लोप वेरी कर रही है और स्लोप इस प्रकार के नेगेटिव है, ठीक है। ये यहां काटती है ए पे, यहां काटती है बी पे, तो कह रहे हैं ए बी का ट्रायंगल का मूवमेंट मैं ये बता दो। तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन हमने लेटर वाले में करा था, तो वहां मैंने बताया था वेरिएबल आप कैसे भी ले सकते हो। तो फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन आई एम टेकिंग वेरिएबल एट दिस पॉइंट एज थीटा, है ना, थीटा ले लिया मैंने, एंड क्लियरली थीटा इज ऑब्वियसली 0 टू पाई बाय 2। व्हेन नेगेटिव स्लोप होगी तो थीटा ये ऐसे हो, पॉजिटिव स्लोप ऐसे होती है, तो ये वाला थीटा जो होता है वो 90 से बड़ा हो जाता, लेकिन वो तो 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो नेगेटिव स्लोप वाली ही लाइन ही लेनी है। 0 से पाई बाय 2 बोल सकते हैं, बोलो भाई। यस सर, ठीक। नाउ अब देखो कलाकारी मेरी है ना, सिर्फ थीटा के टर्म्स में मैं सारी चीजें निकाल दूंगा, मैं फालतू के वो सब चीजें नहीं मानने वाला, एक्सप्रेशन गंदे नहीं करने वाला, ध्यान से देखना है ना, ऐसी चीजें अपन करते रहते हैं, कोई खास बात नहीं है। दिस हाइट इज बी एंड दिस लेंथ इज ए। नाउ क्लियरली इन दिस ट्रायंगल, ये छोटे वाला जो ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है ये बी है, तो क्या ये जो लेंथ है वो बी कॉट थीटा होगी? बी अपॉन दिस बराबर टेन थीटा, तो बी अपॉन टेन थीटा बी कॉट थीटा, ऐसे बी अपॉन दिस बराबर साइन थीटा, तो दिस बराबर बी अपॉन साइन थीटा मींस दिस इज बी कॉसेक थीटा। तो क्या ये जो लेंथ है ये बी कॉसेक थीटा है और ये जो लेंथ है वो बी कॉट थीटा है? यस सर। सिमिलरली दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा एंड दिस लेंथ इज ए, तो इसको भी साइड में देख सकते हो ट्रायंगल बना के, कि ये ए है ये थीटा है, तो ये वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी ए टेन थीटा और ये वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी ए सेक थीटा। बोलो। यस सर। बस हो गया काम अपना। पहला पार्ट क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए होगी, फर्स्ट पार्ट एरिया हाफ इंटू बेस, ये कितना है ए, तो बेस कितना हो गया ए प्लस बी कॉट थीटा, और हाइट कितनी होगी ए सेक थीटा प्लस बी, बी प्लस ए सेक थीटा, हाँ जी। बोलो। सही है? यस सर। ठीक, एक एक सेकंड, ये ए टेन थीटा थी ना, ये टेन थीटा थी, टेन थीटा, तो ये टेन थीटा। अब करो हाफ अंदर है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ए बी प्लस ए स्क्वायर टेन थीटा, बी स्क्वायर कॉट थीटा प्लस ए बी कॉट इंटू टेन वन हो गया, ए बी कितना हो गया टू ए बी प्लस ए स्क्वायर टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट थीटा, क्या ये आपका एरिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया? इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज। तो देखो डिफरेंशिएशन मेथड लगा सकते हो, और पर यहां तो हमें दिख रहा है एएमजीएम ही बहुत है, क्योंकि थीटा तो जीरो से पाई बाय टू है और उसके बीच में टेन थीटा पॉजिटिव है,
तो ए स्क्वायर टेन थीटा भी पॉजिटिव है और बी स्क्वायर कॉट थीटा भी पॉजिटिव है। अगर चीजें पॉजिटिव हैं तो आप उन पे एम जी एम लगा सकते हो। सर। सो बाय एम जी एम ए स्क्वायर टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट थीटा बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए भी आएगा, रूट ले लोगे तो टेन इंटू कॉट बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट ए भी आ जाएगा। नाउ ये आपकी क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई ए स्क्वायर टेन थीटा प्लस, अच्छा मिनिमम ही पूछा आपसे, मैक्सिमम नहीं पूछा। हाँ मैक्सिमम तो ऐसे भी देखो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन को पास करवा दूं यहाँ इन्फिनिट तक, ये वाला इंटरसेप्ट इन्फिनिट करवा दूं तो एरिया मैक्सिमम चला जाएगा, और इधर भी अगर मान लो ऐसे खड़ी लाइन की तरफ जाएगी लाइन तो भी एरिया मैक्सिमम होगा, तो बीच में मिनिमम आएगा, है ना। दोनों एक्सट्रीम केसेस में मैक्सिमम आ रहा है, बीच में मिनिमम ही आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट थीटा की ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू ए भी आ गया। लेकिन आपको याद हो, अगर जिस बच्चे ने एम जी एम अच्छे से पढ़ा है उसको पता है कि हम इसकी मिनिमम वैल्यू ऐसे मुंह फाड़ के नहीं बोलते, चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं। तो मैं चेक करूंगा कि ए स्क्वायर टेन थीटा वेरीफाई इक्वेलिटी बराबर बी स्क्वायर कॉट थीटा हो सकता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो सकता है ना, हो सकता है भाई। बी स्क्वायर कुछ भी हो, कोई रियल नंबर होगा, ए स्क्वायर कुछ भी हो रियल नंबर होगा, तो एक वैल्यू आएगी पॉसिबल जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, तो टेन थीटा की वैल्यू तो होती है जीरो से पाई बाय टू के बीच में, वो हर वैल्यू लेता है इन्फिनिटी तक, तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। इट मीन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई ए स्क्वायर टेन प्लस बी स्क्वायर कॉट की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, टू ए बी हो गई। मिनिमम वैल्यू यहाँ रख दो, टू ए बी फोर ए बी अपॉन टू, टू ए बी आ गया आंसर। और वो कब आया, जब टेन थीटा क्या होगा बी बाय ए, दिस विल बी पॉसिबल व्हेन टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय ए। हाँ जी सर। बस हो गया। यस सर। चलो उसका सेकंड पार्ट लेते हैं, मैं इसको बता रहा हूं ठीक। सेकंड पार्ट इज लेंथ ए बी, तो ए बी तो सीधा सीधा दिख रही है, एपी प्लस पीबी। ए बी क्या है, एपी प्लस पीबी, और एपी कितना है बी कॉसेक थीटा, और पीबी कितना है ए सेक थीटा। तो याद करो ये लेंथ आ गई, ए बी लेंथ आ गई एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। क्या मैंने थोड़े दिन पहले आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बताई थी? यस सर। ए की पावर टू बाय थ्री प्लस बी की पावर टू बाय थ्री की पावर थ्री बाय टू होती है, ठीक है। तो आंसर आ गया, और नहीं भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव मेथड तो है ही, ए डैश करा ए बी डैश, तो क्या आएगा। ये देखो इसको पहले दोबारा लिख लो, ये लिखा है b बाय साइन प्लस a बाय कॉस, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस b बाय साइन स्क्वायर इनटू कॉस प्लस a बाय कॉस स्क्वायर इनटू साइन आएगा। एलसीएम लोगे तो अगेन माइनस b कॉस क्यूब प्लस a कॉस क्यूब आएगा, a साइन क्यूब आएगा। तो वो कब आएगा, जब टेन क्यूब थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका b बाय a हो जाएगा, मतलब जब आपका टेन थीटा बी बाई ए की पावर वन बाय थ्री होगा। फिर आप साइंस की चेक कर लेना प्लस माइनस से, वो मैंने पहले करवाया हुआ इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं दे रहा कि वो मिनिमा आता है, मिनिमा आता है। और वैसे भी एक्सट्रीम केसेस में आप समझ सकते हो, जब इधर जाएगी तब भी लेंथ इनफिनिट को जा रहा है, इधर जाएगी तब भी लेंथ इनफिनिट को जा रहा है, बीच में मिनिमा आएगा। बस ये आता है आंसर डायरेक्ट, इसकी वैल्यू उठा के जब इसमें रख देंगे, याद है ना, ये कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। हाँ जी ये वाला फंडा मैक्सिमम के लास्ट में कराया था। हाँ मिनिमम ऑफ ओ ए ओबी, तो थर्ड पार्ट में कोई फंक्शन आ गया मान लो एफ एक्स और एफ थीटा, ओ ए ओबी, ओ ए अगेन ए प्लस बी कॉट थीटा, और बी ए बी प्लस ए टेन थीटा। तो ए प्लस बी तो अलग आ गया,
अब ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा, भाई ए भी पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, बी भी पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का, टेन थीटा कॉट थीटा भी पॉजिटिव है क्योंकि ये थीटा जीरो से पाई बाय टू के बीच में है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ए एन जी एम से इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो यार, रूट ए बी। तो ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा जो है वो टू रूट ए बी से बड़ा होगा। वेरीफाई करो, वेरीफाई करो क्या ये पॉसिबल है, तो उसके लिए आपको ए टेन बराबर बी कॉट होना पड़ेगा, इसका मतलब टेन स्क्वायर बराबर बी बाई ए होना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है क्या वो टू रूट ए बी है? बस, तो थर्ड पार्ट की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी टू रूट ए बी, और ये लिखा है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। आई होप यू गेट दिस। खुद से जब करने बैठते हैं ना तो कई बार मतलब क्वेश्चंस होते नहीं है, इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे नहीं मैं करवा रहा इसके क्वेश्चंस कि चलो मैक्सिमम सबको आता होता है, बट अगेन वही फ्रेमिंग करना, वेरिएबल्स असाइन करना, कहां से किधर किसको ले जाना, वो आपके हाथ में है, तो कौन कितनी जल्दी किस तरीके से कर लेगा या कौन अटक जाएगा वो फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस किया गया होगा उतना ही ज्यादा हमें चीजें क्लियर कट होंगी कि हाँ देखो ऐसे 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 जाना है। ठीक है, बैठा दे। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sides of a trapezium three sides of a trapezium are equal, each being 10 centimeter, find maximum area of such trapezium. तो ये समझ में आ रहा चाहिए ऐसा पॉसिबल कैसे है? कुछ बच्चों को तो यूं लगेगा कि सर देखो आप कह रहे हो तीन साइड, तो पीजीएम ऐसा होता है ना, तीन साइड मतलब आप कह रहे हो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो चौथी साइड तो फिक्स ही होगी, फिर वेरिएबल पार्ट बचा का, ऐसा कईयों को लग सकता है, तुम्हें भी लग रहा है क्या? बोलो जी, आपको भी ये लग रहा है क्या कि तीन साइड फिक्स है तो सर चौथी तो फिक्स हो गई, फिर तो बात ही खत्म होगी, क्वेश्चन बना कहां से? नो सर। फिर कैसा सिचुएशन होगा ये? इट विल बी लाइक सर एडी और बीसी मूव करके कर सकते। हाँ जी हाँ जी, ये जो है ना ये साइड, ये थीटा फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो ये मतलब ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है ना। मैं आपको थोड़ा सा अगर अपन फील करना चाहे कि मान लो ये थीटा इधर कम हो गया, ये भी कम हो गया, तो फिर साइड ऐसे बन जाएगी, या ये थीटा थोड़ा बढ़ गया मतलब इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, तो क्या ये साइड इधर आ जाएगी? तो ये तीन वेरिएबल सिचुएशन दिखाई दे रही है आपको, झूल रही है बाजू में उसकी साइड वाली ऐसे ऐसे कट 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 कट। और एक चीज और, सिमेट्री से आप ये भी समझ सकते हो कि ये लाइन तो होरिजोनटली होनी है, तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा हमेशा बराबर ही रहेगा,
तभी ये दोनों पॉइंट के बॉटम पॉइंट सेम जगह रुकेंगे, अदरवाइज एक आड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो नीचे वाली लाइन सीधी नहीं आ पाएगी। बस तो ये अगर आप समझ गए तो बस खेल खत्म। तो ये फिगर मैंने बना दिया दोबारा से, तो देखो तो थीटा ऐसा करता हूं ना मैं, थीटा इसको इसको देने के बजाय थीटा इसको दे देता हूं, ठीक। तो ये थीटा और ये थीटा सेम है, तो ये 10 है तो ये हो गया 10 साइन थीटा, ये हो गया 10 कॉस थीटा, ये 10 तो ये भी 10, तो ये 10 साइन थीटा, ये 10 कॉस थीटा, सही है, ये भी 10। सो मैक्सिमम एरिया, तो ये वाला एरिया तो फिक्स ही हो गया ना 10 बाय 10 का, बोलो। यस सर, फिक्स हो गया क्या? 10 by 10 थोड़ी है ये भाई। नो सर, ये 10 into 10 साइन थीटा है ना भाई, ये ऐसा भी तो हो सकता है कल को ऐसा ऐसा हो जाए तो ये एरिया फिक्स थोड़ी है ये वाला, है ना। तो ध्यान दो, एरिया का एक्सप्रेशन लिखोगे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है सिमेट्री से, तो 2 times half into base 10 cos theta into height 10 sin theta प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो 10 into 10 sin theta, तो ये एरिया का एक्सप्रेशन आ गया 100 cos theta into sin theta प्लस 100 sin theta एरिया एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। इसको मैक्सिमाइज करना है, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, पहले इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, 100 साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं और अंदर लिख लेते हैं 1 plus cos theta। नाउ इसको डिफरेंशिएट कर दें, अगर ये डैश थीटा, सो 100 साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू 1 plus cos theta एज इट इज प्लस 100 साइन थीटा एज इट इज इंटू 1 plus cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये क्या बन गया 100 cos square माइनस 100 sin square प्लस 100 cos, तो 100 कॉमन आने के बाद cos square माइनस sin square बन गया cos 2 theta और ये बन गया प्लस cos theta। बस इसको क्वाड्रेटिक आ गई है, तो 2 cos square theta प्लस cos theta माइनस 1 जीरो करो पहले, 2 cos square प्लस 2 cos माइनस cos माइनस 1 जीरो, 2 cos कॉमन आ गया, cos प्लस 1 माइनस cos प्लस 1 जीरो, इसका मतलब या तो cos की वैल्यू माइनस 1 आ जाए या cos की वैल्यू हाफ आ जाए, तो माइनस 1 तो हो नहीं सकता है ना, पाई थोड़ी हो जाएगा एंगल, तो बचा कितना हाफ बस, तो एक ही पॉइंट आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमा देगा वो, चाहे तो आप चेक कर सकते हो, हाफ मतलब पाई बाय 3, तो उसके आगे पाई बाय 3 के आगे ये 2 पाई बाय 3 गया, हाँ बोल cos प्लस 1 इंटू 2 cos माइनस 1, पाई बाय 3 के आगे ये नेगेटिव है पॉजिटिव, उसके पहले पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा आ रहा है, तो थीटा बराबर पाई बाय 3 पे मैक्सिमा आ रहा है। सो क्या आएगा आपका मैक्सिमम एरिया, इसमें लिख दो 100 इंटू रूट 3 बाय 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 2 3 बाय 2, तो 3 रूट 3 4 आएगा नीचे 25, 75√3 आ गया आंसर, सही है। यस सर, बस हो गया।
चले। यस सर। The lateral edge of a regular rectangular pyramid with square base is a centimeter long. The lateral edge makes an angle alpha. Alpha with the plane of the base. The value of alpha for which the volume of pyramid is maximum. ठीक है, तो पिरामिड मैंने आपको बताया था ऊपर चोंच होती है नीचे बेस होता है। बेस इसने बोल दिया, रेगुलर रेक्टेंगुलर बोल दे या स्क्वायर बेस बोल दे, वो एक ही बात है। तो मतलब ऐसा है, यहां ऊपर ना, मतलब अगर अपन देखें ऐसे स्क्वायर होगा, यहां एक सेंटर में रेगुलर मतलब एकदम सिमेट्रिकल सेंटर में वो वर्टेक्स होगा, ऐसे चारों को मिला दो चार साइड में ट्रायंगल बनेंगे। तो उसी चीज को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको इससे मिलाओगे तो ये आएगा, इससे मिलाओगे तो हाँ भाई ऐसा बनेगा डायग्राम। अब वो क्या कह रहा है, लेटरल एज मतलब ये वाली साइड वाली लंबाई है ना, ये कितनी है आपकी ए, ठीक चारों लेटरल एज लंबाई में बराबर होंगी, ठीक। और ये क्या करती है लेटरल एज, अल्फा एंगल बनाती है प्लेन ऑफ द बेस से। तो बेस प्लेन ये है, आप ऐसे समझो है ना, थोड़ा सा ये है मेरा बेस और ये है प्लेन और लेटरल एज है ना, ये है लेटरल एज। तो ये इससे एंगल बनाती है, इसका मतलब क्या है ये अपन थ्री डी में पढ़ेंगे, बट अभी अपन ऐसे समझ लें ठीक है, कि ये जो है ना ये नीले वाली जो लाइन है मार्कर है, जैसे इसका प्रोजेक्शन गिरा दो नीचे फर्श पे, इसका प्रोजेक्शन गिरा दो नीचे से, इसका प्रोजेक्शन। अब फिर जो नीचे लेटा हुआ मार्कर है और जो एक्चुअल मार्कर है उन दोनों के बीच का जो एंगल है ना उसको बोलते हैं एक्चुअली एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन होता है ये थ्री डी में पढ़ोगे आप। लेकिन इसका मतलब ये है कि जैसे इसका प्रोजेक्शन गिराओगे तो वो डायगनल बनेगा, डायगनल इसका अगर ये ऐसा है ये ऐसा है, इसका प्रोजेक्शन गिराओगे तो डायगनल पे गिरेगा इस लेटरल एज का, करके देखना। तो ये जो नीली लाइन जा रही है ना ये लेटरल एज ये वाली और ये डोटेड वाली, ये बीच का एंगल अल्फा है ना, थ्री डी डायग्राम है ये, थोड़ा सा उसमें समझने की कोशिश करें ठीक है। बस हो गया, अब क्या कह रहा है वो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है पिरामिड का, एरिया ऑफ बेस इंटू 1/3 इंटू हाइट,
वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अब ये चीजें निकालनी है अपन को। तो हाइट के लिए तो आप ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो एकदम ये मिड पॉइंट में मिलेगा परपेंडिकुलर। नाम दे दो नाम, ए बी सी डी। तो अगर मैं आपको साइड में दिखाना चाहूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ए डी और बी, ये एंगल अल्फा होगा। समझ में आया आपको भाई? ये प्लेन है, ये मार्कर था इसे टेढ़ा, और एक दूसरा मार्कर मैं ले रहा हूं ये हाइट में। तो काले वाला मार्कर, नीले वाला मार्कर और ये नीचे डॉटेड प्रोजेक्शन वाला, वो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे जी। yes, sir. Yes, sir. बस ये वो वाला है। तो ये अगर साइड, ये हाइपोटेनियस होगी इसकी ए, तो ये हो जाएगी आपकी ए कॉस अल्फा और ये हो जाएगी आपकी ए साइन अल्फा। ठीक, तो हाइट मिलगी एडी, हाइट मिलगी एडी आपको, दैट इज ए साइन अल्फा। नाउ अगेन वापस इसमें आ जाए, अब मैं इसको इससे मिला रहा हूं मिड पॉइंट को। भाई बेस अगर स्क्वायर है, बेस अगर स्क्वायर है तो डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर भी होते हैं, सबको पता है। yes, sir. ये 90 हो गया, तो ये जो लेंथ है ये, क्या ये ए कोस अल्फा है? yes, sir. तो इसको इससे जब मिला दिया मैंने, ये 90, ये 45, ये भी 45, तो ये भी ए कोस अल्फा, ये कोस अल्फा, ये ए कोस अल्फा, तो क्या ये रूट टू ए कोस अल्फा आ गई? yes, sir. तो साइड ऑफ बेस मिल गई रूट टू ए कोस अल्फा। तो वॉल्यूम की एक्सप्रेशन आ गया 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू हाइट ए साइन अल्फा। वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूम 2/3 ए क्यूब कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा। हां जी, यहां तक कोई परेशानी? वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा आ गया। सही है? Yes, sir. बस अब अल्फा की भी बात करो, अल्फा एक्सट्रीम में कैसे हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या, अगर मान लो अल्फा मैं बढ़ाने लगता हूं तो ये बी पॉइंट इधर डी की तरफ जाएगा, ये पॉइंट इधर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, बेस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, एक्सट्रीम केस में अल्फा पाई बाय टू हो सकता है। और अगर ज्यादा से ज्यादा मैं हाइट कम करना चाहूंगा तो ए को मैं नीचे लाना चाहूंगा, नीचे लाना चाहूंगा, तो मिनिमम से मिनिमम अल्फा जीरो हो सकता है। सो क्लियरली अल्फा इज बिलोंग्स टू 0 to π/2 ओपन, ये भी बता रहा हूं। नाउ ये वाला पार्ट मिटा दो मैं। यस सर। नाउ बस मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री से तो नहीं दिख रहा सीधा, तो डिफरेंशिएट कर दो v एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा v डैश, तो 2/3 a क्यूब इसको हटाओ, cos स्क्वायर अल्फा का डेरिवेटिव 2 cos अल्फा into cos का डेरिवेटिव sin अल्फा, माइनस साइन के साथ, ये माइनस है और एक साइन ऑलरेडी है तो साइन स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस cos square as it is into sin का डेरिवेटिव cos। तो अगर मैं यहां से cos alpha common ले लूं तो अंदर क्या बचता है, cos square alpha minus 2 sin square alpha। और sin square को भी मैं लिख दूं अगर 1 minus cos square alpha तो ये minus 2 और minus minus plus 2 तो 3 cos square alpha minus 2 दिखाई दे रहा है आपको अंदर, इसके फैक्टराइज करोगे √3 cos alpha + 2 √3 cos alpha - 2 cos alpha 2/3 a cube। अब देखो अल्फा 0 से पाई बाय 2 के बीच है, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है और ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये जीरो होगा जब अल्फा कितना होगा कॉस इनवर्स 2/√3। हां जी, यहां पे अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/√3 होगा। सर √2 भी आएगा 2 की जगह। अच्छा 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 सॉरी,
ये रूट टू होगा ना, ठीक, रूट टू बाय थ्री बोल दो, और अगर पाई बाय टू की तरफ जाऊंगा तो ये वैल्यू जीरो, ये नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा की मोहर लग गई है, इट मींस वी विल बी मैक्सिमम व्हेन कॉस अल्फा इज रूट टू बाय थ्री। तो आंसर अपन ऐसे भी दे सकते हैं, ये रूट टू है, ये रूट थ्रू है, रूट थ्री है, ये वन हो गया, तो टेन अल्फा कितना हो गया, वन बाय रूट टू, तो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वन बाय रूट टू भी दे सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, किसी में भी कन्वर्ट कर दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, कोई लफड़ा नहीं है। सही है? यस सर। ठीक है, नोट कर लो। चलो मिटा दीजिए। For a steamer, consumption of fuel per hour varies as cube of its speed. If the speed of the current is steady at C kilometer per hour, ये भी kilometer होगा, then the most economic speed of the steamer if he upstreams ये क्वेश्चन, थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन आपने फिजिक्स में देखे ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो कर लो टाइम एक। सीन क्या है भाई, एक नदी है ना, जिसमें जो स्ट्रीम जो करंट है, मतलब जो पानी चल रहा है जो भी है, उसकी जो स्पीड है वो दे रखी है फिक्स है सी किलोमीटर पर आवर, और एक बंदा है स्टीमर, मतलब जो चला रहा है ना, वो जो भी चला रहा होगा अपना यॉट चला रहा होगा जो भी, ये अपस्ट्रीम समझते हो ना,
फिजिक्स के स्टूडेंट ने बताया होगा, अपोजिट द स्ट्रीम जाना है ना, तो स्ट्रीमर जो है वो इधर जा रहा है, इधर, ठीक है। नाउ पहले तो क्वेश्चन समझे है क्या, वो चला रहा है ठीक है, मान लो उसको कोई डिस्टेंस पे जाना है, यहां से वहां तक जाना है, तो मोस्ट इकोनॉमिक स्पीड की, वो इकोनॉमिक स्पीड का मतलब क्या, खर्चा कम से कम हो। अब कोई कंजूस आदमी के खर्चा कम से कम, तो ऐसा करो चलाओ ही मत, तो चलाओ नहीं तो फिर पहुंचेंगे ही नहीं कभी, जाना इधर है तुम इधर जा रहे हो कैसे पहुंचोगे, तो ऐसा तो है नहीं गाड़ी बंद कर दोगे। और ऐसा भी नहीं है, अगर कोई कहेगी सर फुल भगाओ फुल एकदम जितनी स्पीड रहती है ना फुल दौड़ा दो, तो खर्चा ज्यादा होगा आपका, पेट्रोल ज्यादा जलेगा, फ्यूल ज्यादा जलेगा, जो भी है। तो वो चाहता है कि इस ऐसी स्पीड बता दो जिसपे मोस्ट इकोनॉमिक स्पीड हो, मेरा टाइम भी मतलब ऐसा भी ना हो कि मैं भाई बैठा रहा हूँ खर्चा ही देखता हूँ, और ऐसा भी ना हो पूरा खर्चे तो उड़ा दे और टाइम मिनट में पहुंच जाए, ऐसा भी नहीं होना। लॉजिक ये है, तो ऑब्वियसली आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, पॉइंट ये है। अब कॉस्ट क्या दे रखी है आपको, कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द, इसकी स्पीड अगर वी है, वी तो वी क्यूब के हिसाब से दे रखा है, वेरीज एज क्यूब ऑफ इट्स स्पीड, भाई जितनी उसकी गाड़ी की स्पीड है, इंजन की जो स्पीड जिससे वो दौड़ाएगा है ना, तो वो जो स्पीड है, तेल तो उसी के हिसाब से जलेगा ना, बोलो। यस सर। ठीक है, मान लो अगर ये सी स्पीड से दौड़ाता है, सी स्पीड से, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टेडी है, सी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी उसकी गाड़ी नहीं चल रही, डीजल तो जल ही रहा है उसका, जो भी मतलब फ्यूल होगा है ना, तो इंजन के स्टार्ट होने से शुरू हो गया, तो V स्पीड तो उसने शुरू कर दी, मान लो V स्पीड से जा रहा है, तो कॉस्ट जो है वो डीजल की, वो V क्यूब के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू वेरीज एज, वेरीज एज क्यूब ऑफ इट्स स्पीड है ना, तो मैंने kV क्यूब मान लिया, सपोज कॉस्ट इज kV क्यूब है ना, कॉन्स्टेंट इसको ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। नाउ ये जो कॉस्ट है ये पर आर की दे रखी है, फ्यूल पर आर, तो टोटल जो कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट क्या, वो कॉस्ट पर आर इंटू टाइमिंग इन आर्स नहीं होगी, हाँ जी, तो केवी क्यूब पर आर तो आ गई, इंटू टाइम इन आर्स निकालना है, तब जाके रुपीज आएंगे ये। अब टाइम निकालना है, टाइम टाइम पे सोचो, सपोज उसको डी डिस्टेंस पे जाना है, सपोज तो दूरी बराबर चाल गुना समय, सबको पता है ना, डी बराबर वी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, टाइम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, ऑब्वियसली टाइम, तो वी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वी माइनस ई होगा, बस हल्का सा फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट लगेगा, अपस्ट्रीम जा रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो उसकी वेलोसिटी वी माइनस ई है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसको डी डिस्टेंस कवर करनी है, पानी के रिस्पेक्ट में तो करनी नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डी जाना है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड लेंगे, तो वी माइनस सी बराबर इन टू टी बराबर डी लेंगे, तो यहां से टाइम क्या आ जाएगा आपका, डी अपॉन वी माइनस सी, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। बस इसको उठा के इसमें रखो, तो आपका कॉस्ट का एक्सप्रेशन आ गया एज अ फंक्शन ऑफ वी, भाई डी कॉन्स्टेंट है, दूरी कोई फिक्स है, कॉन्स्टेंट हटाओ उसे, के डी V क्यूब अपॉन वी माइनस सी आ गया। इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो D कॉस्ट अपॉन dV निकाल लो, तो KD को हटाओ, U बाय V रूल लगा दो, नीचे V माइनस सी का स्क्वायर, ऊपर 3V स्क्वायर इंटू वी माइनस सी, माइनस V का माइनस सी का डेरिवेटिव, और इंटू V क्यूब, तो यहां से V स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये बचा 3V माइनस 3C माइनस V अपॉन V माइनस C का होल स्क्वायर इंटू KD, तो ये चीज तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो अंदर क्या बचा 2V माइनस 3C, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया 3C बाय 2, अब 3C by 2 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, पीछे होगा तो मिनिमा आएगा, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो मिनिमा आ गया मिनिमा, सो वी शुड बी 3C by 2,
समझ आ गया? मतलब जिस स्पीड से स्ट्रीम चल रही है करंट की, उसका 1/3 और डेढ़ गुना है ना, 3/2 टाइम्स अपोजिट से चले तो उसकी इकोनॉमिक स्पीड रहेगी, वो टाइम पे भी पहुंचेगा, पैसे भी कम। ये बात क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बहुत कर लिया ना, बहुत सारी चीजें बता दी। दिस इज ऑल अबाउट एओडी एंड हेंस डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। आज हमने सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा ही नहीं खत्म करा, एओडी भी खत्म कर दिया और एक बहुत बड़ा यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म कर दिया, जो हमने शुरू करा था फंक्शन से, फंक्शन लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, उसके बाद एओडी के अंदर कितना कुछ था, टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमा, रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी, जो भी सब चीजें थी। तो ये एक डिफरेंशियल कैलकुलस था, यूनिट था एक, वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर इंटीग्रल कैलकुलस। फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, थैंक यू। तो